हेलो वियर्स, शरीर में रहती है अकड़न, ऐंठन और दर्द, तो आइए जानते हैं इससे राहत पाने का इलाज। हल्के में ना ले मांसपेशियों की जकड़न को। क्या आपको भी कंप्यूटर टेबल पर काम करने के बाद उठने पर अकड़न महसूस होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर टेबल पर काम करने के बाद उठो तो पैर जकड़ जाते हैं। कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बीच बीच में उठकर घूम लो, तब भी पैर अकड़े रहते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए कंप्यूटर पर काम करते समय या बैठे बैठे कोई भी काम करने के दौरान अक्सर पैरों में अकड़न और उठते या हिलते वक्त दर्द या अकड़न महसूस होने की समस्या होती है। विटामिन B12 या विटामिन D की कमी हो सकती है। लगातार बैठे बैठे काम करने के कारण मांसपेशियों का कमजोर होना भी कारण है। इसके अलावा बैठने का तरीका या बनावट भी बहुत हद तक इस समस्या का कारण हो सकती है। इससे बचने के लिए काम करते वक्त हर एक घंटे के अंतराल में 2 मिनट का विराम लें और शरीर का सामान्य संचालन करें। व्यायाम के लिए केवल दिन का एक ही समय निर्धारित न करें, बल्कि उसके साथ साथ पूरे दिन थोड़ी बहुत असत नुमा गतिविधियां करते रहें। कुल मिलाकर शरीर को निष्क्रिय होने से बचाएं। शरीर में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के कारण डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस समय जब बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आदि कर रहे हैं, तो इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी के साथ साथ स्ट्रेचिंग सुनिश्चित है। यदि किसी अन्य शारीरिक समस्या के कारण किसी प्रकार का व्यायाम करने में असमर्थ हैं, तो जिसको नॉलेज हो व्यायाम की उससे सलाह लें। इसके अलावा सुबह की धूप में कुछ वक्त जरूर बिताएं। यदि दर्द या अकड़न बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। शरीर में अकड़न और ऐंठन इस वजह से भी हो सकती है। खून की आपूर्ति, जिन धमनियों के जरिए पैरों में खून पहुंचता है, अगर वह संकुचित हो जाएं, तो इससे आपके पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है, जिसके कारण आपको व्यायाम करते समय गंभीर दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि जब आप व्यायाम करना बंद कर देते हैं तो यह ऐंठन और दर्द खुद ठीक हो जाती है। नसों पर दबाव, अगर रीढ़ की हड्डी की नसों पर दबाव पड़ रहा हो तो इसके कारण भी पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकती है। यह दर्द आपके चलने के साथ साथ और गंभीर होता जाता है। इस तकलीफ से जुड़े अपने लक्षणों को कम करने का सबसे कारगर उपाय है कि किसी एक ही तय ढंग से धीरे चला जाए। जैसे कि आपके आगे शॉपिंग कार्ट है और आप उसे ठेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इससे आपकी हालत बेहतर होगी। आहार में खनिज कम लेना, अपने भोजन में महत्वपूर्ण खनिजों को पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को बेहद कम जगह देना भी पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन की एक बड़ी वजह हो सकती है। स्ट्रेचिंग और मालिश करें। जिस मांसपेशियों में ऐंठन आई हो उसे स्ट्रेच करें और हल्के हल्का सहलाएं। अगर पिंडलियों की मांसपेशियों में ऐंठन आई हो तो शरीर का वजन उस पैर पर डालें और अपने घुटनों को मोड़ने की कोशिश करें। खड़े नहीं हो पा रहे हो तो जमीन या किसी कुर्सी पर बैठ जाएं और पैर को सीधा और चौड़ा रखकर स्ट्रेच करें। ठंडी या गर्म सिकाई करें। मांसपेशियों के ऐंठन वाले हिस्से पर गर्म तौलिए या हीट पैड लगाएं, जिससे ऐंठन कम हो सके। अगर आप तुरंत गर्म पानी से नहाते हैं या प्रभावित हिस्से पर गर्म पानी डालते हैं तो यह भी मददगार हो सकता है। शरीर में अकड़न या जकड़न होने पर डॉक्टर से कब संपर्क करें? बेचैनी महसूस हो, पैरों में सूजन हो, त्वचा का लाल पड़ने जैसे लक्षण हो तो। व्यूअर्स, पानी की कमी के कारण या मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव पड़ने से भी ऐंठन की समस्या आ सकती है, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। व्यूअर्स, शरीर में अकड़न, जकड़न और दर्द से राहत पाने का जबरदस्त इलाज। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे एक हेल्थ वीडियो या ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।